देखो एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा जिसके बाद आप डाउट में आ जाओगे कि क्या हम इस दुनिया में रहते हैं या इस दुनिया की कुछ खबर है भी कि नहीं, क्योंकि करण जौहर की एक पोस्ट को देख के यही सोचना पड़ता है। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार को पहली बार हम एक मूवी में देखेंगे जिसका नाम है सेल्फी, और इसका पहला मोशन पोस्टर शेयर किया है अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर, और वहीं करण जौहर ने भी इस पोस्ट को शेयर किया, पर कैप्शन में उन्होंने एक ऐसी बात लिखी जिसको सोचकर हैरानी होती है। उन्होंने लिखा, सुपरस्टार और सुपरस्टार फैन की ऐसी कहानी आपने सुनी ना होगी कहीं। सीरियसली, जब ऐसा ही है तो फिर क्यों मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस का ऑफिशियल रीमेक बताया जा रहा है इसे? और मजेदार बात यह है कि जब ये पोस्ट मैंने देखा तो फिर उसके कमेंट सेक्शन में गया और वहां पे भी लोगों ने वही चीज लिखी, सुना नहीं है बट देख ली है मैंने मलयालम में। Not needed too much decoration, remake of Malayalam movie Driving License. When you remake something, at least put your content right. सुना ना होगा कहीं, it seems. एक और मैंने लिखा, सुना भी है और देख ली है, रीमेक है। भाई आज के टाइम पे सोशल मीडिया और इस टेक्नोलॉजी को लेकर लोग इतने अपडेटेड है कि उनको सब पता है। और दूसरी बात यह है कि कंटेंट की कमी होने की वजह से बॉलीवुड में लोग दूसरे रीजनल मूवीज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें कुछ नया चाहिए देखने के लिए, भले ही वो दूसरे लैंग्वेज में हो, एटलीस्ट सबटाइटल तो रहता है उसमें। और अभी तक आप लोग किस दुनिया में रह रहे हो कि कोई चीज को ऐसा प्रोजेक्ट करते हो हमारे सामने जैसे कि बहुत ही कुछ नया और फ्रेश लेकर आ रहे हो? ड्राइविंग लाइसेंस मलयालम मूवी ओटीटी पर, अमेजोन पर अवेलेबल है विद सबटाइटल्स। खैर एनीवेज, चलिए आपको बता दे, सेल्फी मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। मूल फिल्म में पृथ्वी राज ने एक पॉपुलर सुपरस्टार का रोल निभाया है, जबकि विजय मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए थे। वहीं अगर सेल्फी का मोशन पोस्टर देखे तो आपको पता चलेगा कि अक्षय कुमार इस फिल्म में पृथ्वी राज का रोल निभा रहे हैं, जबकि इमरान हाशमी विजय वाले किरदार में दिखाई देंगे। पोस्टर में अक्षय और इमरान को आमना सामना करते दिखाया गया है, दोनों ही इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक के साथ एक डायलॉग जंगल मेरा मुझे कहते हैं शेर सुनाई दे रहा है। अब बात आती है कि सबको पता है कि ये रीमेक है और ये ऑफिशियल रीमेक है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही कॉपी किया गया है, स्टोरी लाइन सब कुछ सेम होगी, सिर्फ स्टार कास्ट आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो बात आती है इस मूवी को लोग क्यों देखेंगे, तो इसका सबसे बड़ा पहला रीजन है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी का फैन बेस जो कि इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। दूसरा रीजन आता है अक्षय और इमरान को पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ देखा जा रहा है। तीसरा पॉइंट लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि मलयालम मूवी की रीमेक दृश्यम 2 की सफलता से उम्मीद है कि ये भी मैजिक रिक्रिएट कर सके। और चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इमरान हाशमी इतने दिनों बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं और सबने उम्मीद लगा के रखी है कि जैसे कि अब तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है कि सारे मूवीज का सॉन्ग उनका हिट रहा है, इस मूवी के भी गाने सुपरहिट होने वाले हैं, तो ये एक रीजन भी हो सकता है कि लोग इसको थिएटर में जाके देखें। इसके अलावा देखो भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई और पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है इस मूवी के बारे में कि मैं आपको बोलूं कि ये मूवी क्यों लोग थिएटर में जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस मूवी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।